अरे डांस कर मेरी बसंती, डांस कर डांस कर। वाला मक्खन वाली पाव भाजी। तो आज हम जा रहे हैं, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्टी लाइफ बाय निकिता। ये बोलना तो भूल गई है। हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी लाइफ बाय निकिता। और आज हम जा रहे हैं कहाँ पर भास्कर? आज हम जा रहे हैं स्पेशल कुछ खाने। बहुत दिन हो गए थे कोई स्ट्रीट फूड नहीं खाया, तो आज हम खाने जा रहे हैं अर्जुन की पाव भाजी खाने। अर्जुन की पाव भाजी मॉडल टाउन खाने। सुना बहुत था उसकी पाव भाजी के बारे में, आज जाके देखते हैं कि पाव भाजी कैसी है, क्या जिस हिसाब से लोग बोलते हैं तारीफ करते हैं उस स्टैंडर्ड पे आ रही है नहीं आ रही। तो आपको खा के पहुँच के बताते हैं कि हाँ आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बेटा दिल्ली का ट्रैफिक तो देखो, भीड़ लगा दी है। लॉकडाउन खुलता नहीं है कि यहाँ भीड़ लग जाती है। लो जी, ट्रैफिक को चीरते हुए दिल्ली की ट्रैफिक जो है ना, वो लॉकडाउन खुलते ही इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक है कि हमें पहुँचने में बहुत टाइम लग गया, बट हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। तो हमारी डेस्टिनेशन क्या है पढ़ सकते हैं आप, उल्टा लिखा होगा अर्जुन पाव भाजी। बहुत टाइम हो गया स्ट्रीट फूड खाए हुए, तो चटपटी सी अच्छी सी फेमस जो मॉडल टाउन की पाव भाजी। मॉडल टाउन फेज 3 में है ये अर्जुन पाव भाजी वाला। मॉडल टाउन 3 पार्क के ऑपोजिट अर्जुन पाव भाजी वाला है। तो चेक करते हैं कौन सी पाव भाजी खाएंगे। क्या बात है, मक्खन तो देखो भैया ने क्या डाला है पाव भाजी में। मक्खन मार के खाएंगे पाव भाजी। तो भैया अर्जुन पाव भाजी का नाम तो बहुत सुना है। अरे क्या मसाला डाल रहे हो? कौन सा मसाला डाल रहे हैं आप? पाव भाजी मसाला। आपके अपने मसाले में कोई ये आपका मसाला ही है? तो क्या खासियत है? ये नहीं बताओगे? ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। सीक्रेट इंग्रेडिएंट हमारे भैया जो है, भाजी यहाँ पे रेडी होती है, लेकिन हर तरह की भाजी के हिसाब से जैसा बंदे को चाहिए वैसे कस्टमाइज भाजी ऑन द स्पॉट रेडी होती है। और वो उसका तड़का लगता है अमूल बटर। अमूल बटर वाली पाव भाजी। 10 साल हो गए और यहाँ पे लोग मैंने सुना है काफी दूर से आते हैं। आपकी पाव भाजी खाने आते हैं और क्या देते हैं आप साथ में? साथ में चटनी होती है हमारी स्पेशल। अच्छा चटनी स्पेशल होती है। देखा पाव भाजी में और आप और क्या करते हैं? तो पुलाव भी बनाते हैं शायद, बोलते हैं बड़ा पाव वगैरह के। पुलाव भी होता है, बड़ा पाव भी होता है। ये सब यहाँ लिखा हुआ है। बड़ा पाव में मसाला भी। पाव भाजी, जैन पाव भाजी, जैन भाजी, डबल फ्राई पाव भाजी, बिना मिर्च वाली पाव भाजी होती है। अरे बड़ा पाव इसको बिना मिर्च खाना है ना, खाना तो वो भी खा सकता है, डबल फ्राई भी खा सकता है। डबल फ्राई में मेरी क्या खासियत है? डबल फ्राई में मतलब एक्स्ट्रा तड़का। हमें कौन सी खिलाने वाले हो? आपकी पसंद बताओ आप कौन से। हाँ हमें जो है ना डबल फ्राई पाव भाजी। आज हम खा के देखते हैं कि जो अर्जुन पाव भाजी का नाम सुना था क्या वो नाम पे खड़ी है या नहीं है। अरे भैया ने डाला और बटर, डबल बोलते भैया ने। क्या बात है, ये हूँ ना बात। ये भाजी देख सकते हो कि ये है पुलाव, ये लगे हुए हैं हमारे पाव, और ये हमारी बनी है भाजी। अरे हमारी बन रही है भाजी, एकदम गर्मा गर्म भाजी बन रही है। क्या बात है, जबरदस्त। ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है भैया? ये क्या बन रहा है? पाव सेक रहे हो? पाव सेक रहे हो? अच्छा, ओहो, ये भी अमूल बटर में सिक रहे हैं। तो सिक्के ऐसे होते हैं ये? तो इसमें हमने क्या डाला? इसमें कोई चटनी डाली? क्या डाला आपने? ये चटनी डाली है? मिर्ची की चटनी है, काफी स्पेशल चटनी मिर्ची की है। मिर्ची की चटनी देखो लाल रंग की, और ये पाव सिक रहे हैं लाल चटनी में। ओए होए 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 होए, बटर ही बटर, बटर ही बटर। ये देखो ऐसे पाव यहाँ पे आप देखेंगे कि प्याज टमाटर पैक हो रहे हैं, नींबू पड़े हैं। ये चटनी इनकी खास चटनी है जिसमें ये पाव को सेकते हैं। और वहाँ पे तो देखो भाजी की क्या भाजी अब शुरू हुई है ना, भाजी मजेदार भाजी। यहाँ पे बन रहे हैं हमारे वड़े, ताजे ताजे वड़े, जो वड़ा पाव में फिश के वड़ा पाव का टेस्ट बढ़ा है। और इसी के साथ हमारा जो है ना, मेरे को लगता है पाव भाजी भी रेडी हो गई है। ये भैया ने रेडी की है पाव भाजी। ओए हमारी बटरी बटरी यमी यमी पाव भाजी आ गई है। जैसे कि देख सकते हैं पाव हमारे सिके हुए हैं,
और बटर भी, बटर अमूल बटर। अब मास्क को उतारा जाए और अब टेस्टिंग शुरू करें। पहले सैनिटाइजर मस्ट। प्याज भी है। पहले जो हमें नींबू को दो प्लेट और दो पॉइंट जोड़ेंगे और फिर इसको बटर के साथ गरम गरम बटरी मसाले एक्यूरेट। अर्जुन की पावाजी थम्स अप। मजा आ गया। तो अब मैं भी ये टेस्ट करने वाली हूं। कर ले तू भी टेस्ट कर ले। हाँ मुझे करने देगा तब ना। एक पाव तो खाई थी, अब मैं कर लूँ थोड़ा सा टेस्ट। कर ले कोई नहीं। बता खा के बता कैसे लगा। देखो पाव भाजी एकदम जबरदस्त। तो मक्खन सॉलिड होने, मक्खन तो सॉलिड वाली क्यों कह रही है फिर इसको? पाव लिक्विड वाला मक्खन वाली पाव भाजी सॉलिड है। टेस्टी लगी? बहुत यम्मी, बहुत यम्मी। तो क्या जबरदस्त पाव भाजी थी ना, मतलब मजा ही आ गया। टू गुड, बाय गॉड की कसम, टू गुड। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतने टाइम बाद अगर स्ट्रीट फूड खाओ ना तो यू जस्ट लव इट। तो आपको भी खानी हो तो आप आ सकते हैं यहाँ पर मॉडल टाउन फेज 3 में। ये भास्कर आ गए हैं, फ्री में आ सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि पीछे देखा रश कितना है, बहुत रश है। और अर्जुन की पाव भाजी को बहुत लोग लाइक करते हैं, पर आज हम भी अर्जुन की पाव भाजी के फैन बन गए हैं। हमने डबल फ्राई पाव भाजी ट्राई करी है। आप इनकी 10-15 लिस्ट में से कोई भी आप पाव भाजी ट्राई कर सकते हैं। हमारा तो एक पाव भाजी की प्लेट खा के पेट हो गया, भर गया है। तो इसी के साथ आप कर दो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। बाय।